नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा। आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसे हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन और योगदान का सम्मान करता है, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। अहिंसा, सत्य और नागरिक अधिकारों की उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति बने थे। उन्होंने समाज और देश के लिए अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया और उनके दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिंसा और सत्याग्रह के प्रति गांधी जी की प्रतिबद्धता ने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों को आकार दिया, बल्कि वैश्विक शांति आंदोलनों को भी प्रभावित किया। गांधी जी के सिद्धांतों को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया, जिससे उनका वैश्विक प्रभाव और मजबूत हुआ। गांधी ने स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और आत्मनिर्भरता की बात पर जोर दिया था। गांधी जी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को नागरिक अधिकारों और न्याय के लिए उनके संघर्ष में प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में समानता और शांति के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रहती है। गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में प्रार्थना सभाएं, श्रद्धांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में राजघाट, जहां गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के बड़े बड़े राजनेता पहुंचते हैं। गांधी जयंती केवल महात्मा गांधी के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि अहिंसा, सत्य और न्याय के उनके स्थायी मूल्यों पर आगे बढ़ने का अवसर देता है। गांधी जी की विरासत युवाओं को प्रेरित करती रहती है, जिससे ये दिन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहें हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।